सो यो 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 गाइस, क्या हाल है? वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो ऑफ आवर फेवरेट गेम और ऑब्वियसली फ्री द फायर। ये हमारा फेवरेट गेम है, फेवरेट बोलते ना, जैसे वो बोलता ना, ये मेरा फेवरेट दोस्त है, वैसे ये हमारा फेवरेट गेम है। अब आज मेरे साथ है कि स्कैम हो गया। अब तुम लोग पूछोगे क्यों, क्या हुई, तो हम तुमको बताते हैं। मेरा एक टीममेट था, उसने मेरे से कहा था हम लोग डुओ से डुओ का रैंक मैच खेलेंगे, फुल अंधारस करके खेलेंगे, बंदों को घुस घुस के मारेंगे। तो भैया हम भी फोर्थ में आ गए थे, आज तो भैया गेम को एकदम तवा मचा के धर देंगे, लेकिन देखो भैया हम अकेले आए, वो आए ही नहीं। गेम में ग्लिच हो गया या बग हो गया, जो भी हो, पर भाई मेरा तो गंदा माइनस जाने वाला है। वैसे मैं पिछले सीजन मास्टर पे गया था और इस सीजन देखता हूँ भाई मास्टर करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्जाम के सामने एक बंदा आ गया, पहले इसको मारते हैं। आजा मुन्ना किधर आगेगा बबुआ मेरे बच्चे, ये वाला डायलॉग अपन का पुराना हो गया, कुछ नया लिखते हैं। हाँ तुम लोग बताना, पहले इसको मारते हैं। हाँ तो मेरे बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो मेरे को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जिस वजह से अब फ्री फायर को थोड़ा सा कम खेलना पड़ेगा। तो मुश्किल है कि मैं इस बार मास्टर पहुंचाऊं, पर देखा जाएगा, अगर टाइम मिला तो पहुंचाएंगे। वैसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर सीजन ही पहुंचाऊं। पहले एक ऊपर बंदा है, इसको मारता हूं। अबे ऊपर भी है, साइड में भी है, और इधर के साइड में भी एक बंदा है, मतलब टोटल तीन बंदे हैं। माइक के पीछे एक नॉइस आ रही होगी, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पीछे इधर जागरण भंडारा जो भी बोलते हैं वो चल रहा है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीकर्स की आवाज़ होती है वो कायदे में आ रही है। सामने एक बंदा था, एक इधर से भी बंदा भागा है, मैंने देख लिया। रुको रुको, इसको मारेंगे। अगर मैं अभी भी घुस गया ये मेरे को मार सकता है, क्योंकि उसका डिमिट्री ऑन है, पर कोई बात नहीं, अपन घुस के ही खेलेगा। अब देखो अकेले हो तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, हमको रस करके ही खेलना पड़ेगा। अब हमको कोई बहुत ज़्यादा उसमें तो खेलना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंप नहीं करने वाले यार, अभी कैंप मास्टर वगैरह के टाइम पे करना चाहिए। अभी डायमंड वगैरह के टाइम पे मैं क्या ही तो मतलब करके करूँगा, समझ सकते हो यार तुम लोग। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमने मेरा ये थोपड़ा पहली बार सुनेला लग रहा है और अगर मेरी ये आवाज़ तुमको पहली बार दखेली लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। विंटर्स के टाइम पर एक अलग ही लेवल में मेरा शरीर का दिमाग और पता नहीं क्या ही तो अलग ही लेवल में चलता है। नहीं मतलब ठंड के समय में किसको जुकाम होता है यार, मुझे होता है। नहीं यार ऐसे मौसम में नहीं अच्छा लगता यार, जुकाम या ये बुखार वगैरह जैसी चीज़ें। ऐसे मौसम में तो मत चाय खाओ, पकौड़े पियो, और अगर तुम्हारी महबूबा है तो उनसे बातें करो। नहीं हमारे पास तो नहीं है, हमारी इतनी किस्मत कहाँ अच्छी है। ऊपर एक बंदा था, आई थिंक वो नॉक हो जाएगा। हाँ चलो बहुत बढ़िया, हो गया ऊपर वाला नॉक। ए उसने अभी तक डिमिट्री ऑन नहीं किया, इसका मतलब वो वाला किल मेरे को मिल जाना चाहिए। तो बढ़िया, अपन के इधर तीन चार चार किल हो गए, देखते हैं अपन कितना किल निकाल सकते हैं। और इस समय मैं यार मेरे को वो फिंगर स्लिप नहीं मिली थी, सामने एक बंदा इसको मार देता पहले था, तो मुझे अभी फिंगर स्लिप नहीं अपनी मिली, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी यार। मैं अजर्रा फेंक देता हूँ कहीं पर भी, फिर मुझे मिलती नहीं है। तो पहले मेडिकेट लगाते हैं ताकि कोई बंदा पहले ना हमको, तो वो फिंगर स्लिप मुझे मिली नहीं, तो इसकी वजह से मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं, जिसकी वजह से गेम प्ले इतना मोमेंट में नहीं हो रहा। अब मुझे नूब मत बोलना। हाँ हाँ, अब तुम लोग है ऐसा नूबड़ो जैसा खेलता, नहीं यार नहीं खेल पाऊँगा मैं। देखो पहले से मेरे में गेमिंग टेम्पर्ड पड़ा नहीं है, ऊपर से इतने ज़्यादा हाथ चिपकते हैं ना गेम खेलते समय कि मोमेंट नहीं हो पाती है, तो तुम समझ सकते हो यार, तुम लोग पीरे हो, लोगों को बोर्ड तो हो नहीं। हाँ अब देखो तुम लोग अगर चाहते हो मुझे कोई सुझाव देना, तो मुझे कमेंट में जाके ये चीज़ बता देना यार कि अपन को बोर्ड के बाद क्या करने चाहिए, बोर्ड के वक्त पर क्या करना चाहिए, कुछ पढ़ाई का शेड्यूल बताओ यार। सामने एक बंदा, पहले इसको मारता हूँ। अरे नहीं यार, अबे यार, लेकिन भाई एक बात तो मानने वाली है, बॉडी बॉडी मारने वाले को ही प्रो बोलते हैं, असली वाला सर जी। पहले मैं, अरे यार ये मेरे से गलती से हो गया यार, वरना मेडिकेट लगा लेता मैं। उसका डिमिट्री, हाँ हाँ उसने अभी भी डिमिट्री ऑन किया भाई। मैं सोच रहा था कि इस अपडेट में तो कम से कम डिमिट्री हटेगा, पर नहीं हटता यार, ये दुख खत्म ही नहीं होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर भाई यार मेरे को तो गरेना को चुम्मे देने का मन कर रहा है भाई, जो विंटर्स लैंड का अपडेट लाया ना भाई, मतलब कहते हैं चुम्मेश्वरी, ऐसा करके मैं चुम्मे दे सकता हूँ उनको, इतना ज़्यादा मुझे ये अपडेट पसंद आया है। और मैं एक बहुत पुराना प्लेयर हूँ, जिनको पता होगा मैं 2019 के जनवरी से खेल रहा हूँ, तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तब ये स्नो पड़ रही थी गेम में, और अब भी स्नो पड़ रही है, मतलब अब चार साल बाद पाँच साल बाद इस गेम में दोबारा से स्नो पड़ना शुरू हो गई है। सो वो मुझे देख के एकदम काफ़ी कूल और काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जब तुम एक ऐसा गेम खेलते हो जिसको तुम दिन भर खेलते हो ना, और उसमें तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे तुम्हारी फीलिंग कनेक्ट हो जाती है, तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि हम गेम नहीं, हम एक रियलिटी में जी रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मजा आता है। बाद में तुम लोग मेरे को एक चीज यार बताओ कि अपन को बोर्ड्स के टाइम पे कैसे क्या करें यार मैनेज। एक तो मेरे पास तीन चैनल हैं, तीनों को संभालना होता है, और फिर पढ़ाई यार मैनेज नहीं हो पा रही आजकल, तो देखते हैं। सामने एक बंदा है,
भाई आजकल हेड तो लगते ही नहीं है मेरे से ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, 2019 में मेरे को लोग हेडशॉट किंग बोलते थे, इतना ज्यादा हेड मारता था मैं, और आज के समय में हेड लगते ही नहीं। कोई बंदा रिवाइव कर रहा है पर कोई फायदा नहीं है वहां जाए। वैसे आज का गेम प्ले बिल्कुल वो बन गया ना, एकदम पीक के लेवल का गेम प्ले, मतलब इस पीक के घर के अराउंड ही मैं रहा हूं, मतलब वो उधर सीमेंटेड वाले और एलसेफ वाले हाउस में भी मैं नहीं गया, मतलब एकदम एपिक लेवल का गेम प्ले जा रहा है। दो और बंदे आ गए हैं। तो देखो यार, मैं सोच रहा हूँ जैसे अपन के बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे अपन गेम में एकदम टूट पड़ेगा, और तुम लोगों का साथ रहा अगर तो अपन ई-स्पोर्ट में भी घुसने की कोशिश करेगा, बाकी अपना रोस्ट चैनल है तो उसमें भी अपन देखेगा। तो बाय द वे बहुत कुछ मेहनत करना है, तो देखता हूँ कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो जय श्री राम। और सामने की तरफ में दो बंदों की आवाज़ आई थी भाई, मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे 6 किल कर दिए, देखता हूँ कैसे क्या होता है। यहाँ से मैं कुछ खरीद सकता हूँ क्या भाई? यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ये गेम में, मैं मतलब एक जगह में बैठे बैठे कुछ भी खरीद सकता हूँ अगर मेरे पास ज़्यादा टोकन है। नहीं पहले के समय में ना 2100-2200 टोकन हो जाते थे, वो व्यर्थ चले जाते थे, कोई हमको मार देता था या तो बोया हो जाते थे, पर अब हम अपने हिसाब का कुछ ले सकते हैं। हे, मैंने अपडेट के टाइम पर देखा था कि एक कुछ टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ आया है, मैंने अभी उस चीज़ को यूज नहीं किया है, मुझे उस चीज़ को यूज़ करना है, देखता हूँ कैसा क्या सीन रहता है। ओहो उधर 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 देखो, उधर गाइस उधर दो बंदे हैं जिनको मैंने अभी अभी एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट जो भी बोलते हैं यार, इतना अंग्रेजी तेज नहीं है मेरी, पर मैं कोशिश करूँगा, हाँ करूँगा मैं, तुम चिंता ना करो। तो अगर मैं अभी के लिए उनके ऊपर रस बोल देता हूँ तो मैं मारा जा सकता हूँ। तो रुको मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और देखता हूँ, वो आ जाए तो बढ़िया है, बाहर निकलते ना तो मैं किसी एक को तो मार देता। देखता हूँ यार मेरे 8-10 किल अगर यहाँ निकल जाएँ तो अच्छा है। दो बंदे हैं, अब मैं इनके सामने छुप नहीं पाऊँगा क्योंकि यूएवी में मेरी लोकेशन आ गई होगी। भाई यार ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या? नहीं, मैं पहले नेक्स्टेरा में भी खेल रहा था मास्टर के पास के टाइम पर भी, वहाँ पर मैं जब भी कैंप करता था ये मेरे सर के ऊपर आ जाता था और बंदों को बता देता था आ बेल मुझे मार। अब ये फ्लैश बन के कहाँ जा रहा है भाई? दो गोली का बचा होगा वो बंदा। नहीं यार ये कैसा क्या होता है, रुको इसको मारता हूँ पहले, मुझे लगता है यहाँ पे गेम समाप्त हो सकता है क्योंकि मैं अटकूंगा यहाँ पे। अबे यार अटक गया मैं, हाय मार दे, ओए होए होए मैंने दो बंदे मार दिए अकेले के दम पे, ओए भाई साहब। अरे अबे यार ये किसने उनकी मार दिया, खत्म खत्म खत्म, मेरा काम खत्म। गया मैं। अबे यार ये मतलब क्या था यार, ये बिल्कुल मैं वहाँ पे उलझ गया, एक तो दो ग्लोवल्स के बीच में मैं एकदम उलझ गया यार। चलो देखता हूँ कितना प्लस जाता है, 33 का प्लस गया है हमारा, चलो बहुत बढ़िया। और मैं तुमसे अगर सही में बताऊं तो मैं ये गेम प्ले 10 बजे के अराउंड कुछ टाइम के साथ, मतलब रात के टाइम के समय में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वेयर्ड भी लग रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा है बिकॉज ऑफ माई अराउंड अराउंड जो भी बोलते हैं, मतलब घोस्ट वगैरह यू नो, बट अपन इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ऐसा मेरे को पहले लगता था बट अब नहीं लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से मैं ये तो नहीं बोल सकता कि हाँ मैं कभी इसके बारे में एक डिटेल तो मैं कभी किसी पॉडकास्ट में वगैरह में बताऊंगा। देखो अगर इस लेवल पे सक्सेस हो पाया मैं तो सामने इस पर ना मैं देखो, ये सामने वाली आदत मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे ये वाला इमोट चाहिए, अभी अभी मैंने स्पिन मारी थी ना तो वो वाला इमोट निकल गया था मेरा, अब मुझे इसमें चाहिए यार। भाई 110 मेरे को वो टोकन मिले थे स्पिन मारने वाले, मेरे को वो जो होता है ना फांटा वाला वो दोबारा निकल गया था क्योंकि मेरे पास 2019-20 से ही है जब से ये आया है। तो तुम किस रैंक पे हो मेरे को कमेंट में बता देना, और तुम्हारा ये वाला इमोट निकला है कि नहीं कमेंट में बता देना। और दिवाली भी आने वाली है तो कुछ स्पेशल करने की हम भी कोशिश करेंगे, गेम वाले भी कोशिश कर रहे हैं और रेगुलर वीडियोस बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो बाय द वे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय, लव यू। मैं तो चला एक नया गेम स्टार्ट करने, देखता हूँ इसमें क्या